कारक का पेट। मीनू, तुम यह क्या कर रही हो? देखो दादी, मीनू मेरे लिए एक सुंदर सा पेड़ बना रही है। क्या तुम अब कागज की पेड़ पर भिन भिनाओगे बस? अरे, तुम आपस में ही अनुमान लगाते रहोगे कि मीनू से भी कुछ पूछोगे। दादी, मैं कारक का पेड़ बना रही हूँ। कारक का पेड़? हाँ दादी। यह क्या होता है? कल विद्यालय में भाषा की अध्यापिका ने हमें कारकों के बारे में बताया था। लेकिन ये कारक क्या होते हैं? तुम संज्ञा और सर्वनाम को जानते हो ना? हाँ मीनू। क्या तुम क्रिया के बारे में भी जानते हो? हाँ। लेकिन कारक से संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया का क्या संबंध है? अरे मेरे छोटे भाई, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया से संबंध पता चलता है उसे ही तो कारक कहते हैं। मतलब जैसे पिताजी माँ के लिए साड़ी लाए, इस वाक्य में क्रिया लाना है और संज्ञा पिताजी और माँ, तो संज्ञा को क्रिया से जोड़ने का काम के लिए कर रहा है, यही तो कारक है। हाँ मीनू ठीक कह रही है, हम जब कोई वाक्य बोलते या लिखते हैं तो उसमें ने, को, से, के द्वारा, के लिए, पर, में आदि आता है। अरे यही तो कारक है, इनके बिना हमारे वाक्य अधूरे हैं। जैसे मैं कुछ बोलती हूँ, तुम समझना। राम सत्य पाने रावण युद्ध किया। क्या दादी? आप क्या बोल रही हैं? ऐसा लगता है इसमें कुछ छूट गया। फिर से बोलना दादी। राम सत्य पाने रावण युद्ध किया। क्या छूटा? वही कारक ही तो छूटा है। चलो फिर बोलती हूँ। राम सत्य पाने रावण युद्ध किया। मैं कहना चाहती थी राम ने सत्य को पाने के लिए रावण से युद्ध किया। देखो चीनू, दादी ने कारक ने, को, के लिए, से छोड़ दिए थे, जिससे कुछ भी समझ नहीं आया। इसलिए कारक को क्रिया को करने वाला भी कहते हैं। ये तो हम जान गए, मगर तुम यह कारक का पेड़ क्यों बना रही हो? कल हमारी अध्यापिका ने कारक बताए थे। उन्होंने हमें 8 तरह के कारक बताए थे। 8 तरह के कारक? हाँ। लेकिन तुम हमें घुमाओ नहीं, यह बताओ कि कारक का पेड़ क्यों बना रही हो? यह तो मैं पेड़ बनाने के बाद ही बताऊंगी, अभी थोड़ा काम बाकी है, तुम भी मेरी मदद करो। यह लो, मेरा पेड़ तैयार हो गया। अब तुम बारी बारी से इनमें लटके छल्ले
तोड़ो फिर खोलो। पहले में कर्ता कारक, कर्ता कारक चिन्ह ने, उदाहरण राधा ने सितार बजाया। मोहन ने यात्रा की। अब मैं कर्म कारक चिन्ह को, उदाहरण अध्यापिका छात्राओं को बुलाती है। सरिता ने गाय को घास खिलाई। अब मेरी बारी है। करण कारक चिन्ह से, उदाहरण दादाजी बस से दिल्ली जाएंगे। मैंने पेंसिल से चित्र बनाया। अब मैं देखती हूँ। संप्रदान कारक चिन्ह के लिए, उदाहरण पेट के लिए उसने झूठ बोला। पिताजी मेरे लिए पुस्तक लाए। हाँ हाँ हम जानते हैं, अब तेरी बारी है। अपादान कारक चिन्ह से, अलग होने के संदर्भ में, उदाहरण पेड़ से फल गिरते हैं। चाची कुएं से पानी निकालती है। अब मैं फिर से अधिकरण कारक चिन्ह में, पर के ऊपर के बीच आदि, उदाहरण चिड़िया पेड़ पर बैठी है। गीदड़ वन में रहता है। मेरी बारी। संबंध कारक चिन्ह का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, उदाहरण दिनेश के पिताजी आ रहे हैं। गौरव का हाथ टूट गया है। अब मैं संबोधन कारक चिन्ह हे, अरे, रे, ओ, अरी आदि, उदाहरण हे भगवान मुझे बचाओ। बच्चों खूब पढ़ो। वाह मीनू, तुम्हारा पेड़ तो सचमुच लाजवाब है। चलो अब मेरे पीछे पीछे गुनगुनाओ। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, कर्ण से के द्वारा संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए अपादान से अलग, अपादान
से अलग। अधिकरण में पर, अधिकरण में पर। संबंध का के की, रा रे दी, ना ने नी। संबंध का के की, रा रे दी, ना ने नी। संबोधन अरे रे ओ अरी हे। संबोधन अरे रे ओ अरी हे। अलविदा।